2010 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि कहला गया था कि ये एक यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो आज बहुत दिन बाद मेरा आ रहा है ब्लॉग, मतलब आज इधर से मतलब बहुत दिन से बारिश ही दे रहा था, पूरा एकदम बारिश दे रहा था बहुत दिन से, इसीलिए बाहर भी नहीं जा सक रहे थे। तो बस आज सोचे हैं कि आज एग्रीकल्चर जाएंगे, एग्रीकल्चर पास में ही है इधर के, तो वहाँ जाएंगे घूमने के लिए और दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, नाश्ता में आज था रोटी और ककोड़ी का भुजिया। तो बस अभी मिरर के सामने आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। ये है अंशिका बौकी, अंशिका बौकी बौकी अंशिका बौकी। चुपके से आ भी जाओ, हर रोज इन ख्वाबों में तेरे ही सपने अंधेरों। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं ये। तो अभी आप देखे मेरे साथ क्या हुआ, अंशिका मेरे साथ क्या किया आप देख ही लिए, अभी अंशिका को हम मारेंगे। अभी हम अंशिका का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि अंशिका निकलेगी रूम से तो उसको मारेंगे, बदला लेंगे अंशिका से, हम आपको बहुत मारी आज। तो अंशिका अभी देख रहे हैं अभी पानी भर रही है और हम यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक बार पकड़ाएगी तो मारेंगे एकदम खूब मारेंगे। 3 hours later। तो गाइस निकल चुके हैं अभी एग्रीकल्चर के लिए, तो अभी 5 बज चुका है, तो मेरा वेट कर रहा है वहाँ प्रियांशु और बहादुर, उसी के साथ चलेंगे हम और आपको दिखाते हैं वहाँ, मतलब ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको दिखा भी देंगे अच्छे से, वहाँ के बारे में बता भी देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग स्टेशन के पास पहुँच गए हैं, तो मेरे साथ है बहादुर और प्रियांशु, तो बस स्टेशन की तरफ से जाएंगे और दिखाते हैं आपको स्टेशन के अंदर का लुक कि कैसा है वहाँ पे, और उधर से ही चलेंगे एग्रीकल्चर। तो चलिए दिखाते हैं आपको। हुआ सबौर स्टेशन यहाँ पे, तो आपको सामने पूरा दिख रहा है, यहाँ पे यहीं पे हम लोग ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं। तो उस साइड हो गया वहाँ पे साहिबगंज मतलब झारखंड, और इस साइड हो गया भागलपुर। देखिए क्या गजब सीन हो रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाला बन रहा है, मतलब सिर्फ रेलवे के लिए, और वहाँ पे वर्कर वगैरह रहते हैं, तो यही अभी बन रहा है सबौर में, पूरा तो बना नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना ही है, तो मतलब अच्छा वर्क चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत दिन से ही ट्रेन लगी हुई है, तो ये बिहार भागलपुर से आनंद बिहार के जाती है, तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकी हुई है, तो हम लोग को सीधे जाना है फिर उधर से टर्न लेना है। हम लोग थोड़ा थक गए, मतलब वहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं, कितना दूर होगा वहाँ से घर से मेरे, 1 किलोमीटर बहादुर, 1 किलोमीटर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेशन पे, 1 किलोमीटर तो जाना है उधर हम लोग को, आप देखते हैं हॉर्टिकल्चर। देखिए ये लोग क्या कर रहा है, तोड़ेगा क्या रे, अरे भाई। तो अभी हम लोग सीधा चल रहे हैं एकदम। तो यही कर रहा है बहादुर यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ पे अभी इंजन मतलब ऐड हो रहा है यहाँ पे इस ट्रेन में, इस ट्रेन से, तो ये हो गया इंजन, तो बस अभी कुछ देर में खुलने वाली है यहाँ पे। तो भाई अंकल यहाँ पे लगता है जोर रहे हैं इसको। ये हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हुआ मेन गेट एग्रीकल्चर का, तो ये हमको रोड पार करना होगा संभल के, तो यही है हम लोग वहीं से एंट्री करेंगे, ये तो खुलेगा नहीं हम लोग के लिए। मतलब ये सिर्फ जो यहाँ के हैं मतलब स्टाफ वगैरह वो लोग के लिए खुलता है, तो बस हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशली गार्ड वगैरह रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। और ये हो गया मतलब ये हाल फिलहाल में ही बना है, मतलब जब हम क्लास 6 में थे ना, मतलब आर्या मिशन में पढ़ते थे उस समय ही बन रहा था,
और अभी एक साल पहले ये बना है, सोचिए कितना साल लगा है इसको बनने में। और ये हो गया मेरा मेन एग्रीकल्चर, तो मतलब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है फ्रंट से देखने में। तो वो लोग तो काफी आगे चल गया है, वहां पर वेट कर रहा है मेरा। और गाइस इसका 5 अगस्त 2010 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कि कहला गया था कि ये एक यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया इसको 5 अगस्त 2010 को। तब से ये कहला रहा है कि मतलब ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सबौर में है मेरे, मतलब मेरे शहर में। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ टोटल 6 कॉलेज है, जिसमें में से कि यहाँ पे 5 कॉलेज है जिसमें कि सिर्फ पढ़ाई वगैरह होता है, और पीछे जो है मतलब उस साइड वो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें कि वही प्लांट वगैरह के बारे में बताया जाता है वहाँ पे। आपको वहाँ भी हो सके तो हम कहीं अगर कभी जाएंगे घूमने तो वहाँ के बारे में दिखाएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल एकदम आगे आ चुके हैं, तो बस यही चीज़ है यहाँ का मतलब। और यहाँ जब भी अब अगर आइए सबौर तो ज़रूर आइए घूमने के लिए, बहुत ही सही जगह है, बहुत ही सही जगह है, मतलब बहुत बड़ा है। मतलब उसका एरिया तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नेट पे आप सर्च करके देख लीजिएगा कि कितना एरिया में ये है। तो बस अभी हम लोग हम घूम रहे हैं यहाँ पे, और वो दोनों भी आगे चल गया है। मतलब यहाँ पे आज से हम लोग 5 महीना पहले आते थे, ये मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या काम चल रहा है ये तो समझ आ नहीं रहा है। मतलब हमको लगता है कि गार्डन वगैरह में भी बन रहा हो, तो अच्छा भरा यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं अच्छा डिस्टेंस है, उधर तो जा नहीं सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। यही है, अब कुछ दिन में बन जाएगा तो आपको फिर से दिखा देंगे यहाँ पे क्या बनेगा। इस टाइप का सीन बनता है वो पंचमुखी मंदिर का, आपको तो उसको दिखा ही चुके हैं। तो यहाँ पर से आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है आपको। वहाँ पे मतलब एक्सरसाइज वगैरह होता है सुबह सुबह, मतलब बहादुर भी आता है यहाँ पे दौड़ने के लिए सुबह सुबह, और यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे लोग। तो अभी भी चल रहा है क्रिकेट, आप देख सकते हैं। गाइस तो ये मतलब नया एग्रीकल्चर मतलब बन रहा है बिल्डिंग यहाँ पे, एग्रीकल्चर में काम चालू एकदम हो रहा है पूरा जल्दी जल्दी। इस ये है प्रियांशु का बिल्डिंग, सॉरी ये एग्रीकल्चर का, ये बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, आपको सामने से उधर से दिखाते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप का लुक बनता है यहाँ पे इस बिल्डिंग का। तो सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है, मतलब वो तो है ही जो मेन बिल्डिंग है, उसके बाद ये वाला ये पीजी लैब है, आपको दिख ही रहा होगा। तो बस हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और पूरा बिल्डिंग को मतलब देख रहे हैं। तो प्रियांशु बोल रहा है, क्या प्रियांशु ए इवला बिल्डिंग लेगा ना तुम? तो इवला बिल्डिंग प्रियांशु लेगा, क्या प्रियांशु कब लेगा तुम? अच्छा बोल रहा है अभी 2-3 साल बाद ही बिल्डिंग हो जाएगा प्रियांशु के नाम पे, तब तो आप लोग भी आइएगा। जिस दिन प्रियांशु उसको क्या कहता है ग्रीवास, हाँ जिस दिन प्रियांशु ग्रीवास करवाएगा आइएगा आप लोग रहने के लिए। बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है भाई, मतलब पूरा इतना बड़ा है ना, देखिए आवाज़ गूंज रहा है हेलो हेलो। पीछे से कुछ इस टाइप का लुक बनता है। तो हम लोग तो कभी मुंबई दिल्ली गए नहीं, तो हम लोग के लिए मुंबई दिल्ली यही है। मतलब बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे, मतलब अभी इधर ही रिसेंटली ये सब बन गया है ना, तो यहाँ पे पहले है ना यहाँ पे पूरा यहाँ पे गिट्टी वगैरह था, बालू वगैरह था, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस समय। अभी तो यार पूरा एक लगता है मतलब होता है ना कि बेस्ट कॉलोनी है एकदम, कॉलोनी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब ये तो एग्रीकल्चर का हुआ तो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा एकदम, लगता है बहुत बड़ा स्पेस है यार। देखिए आप पीछे भी एकदम बिल्डिंग ही बिल्डिंग, अभी तो और बन रहा है पूरा, उस साइड भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग बन रहा है, मतलब अच्छा है सबौर में ये सब। आप आइए घूमने के लिए, ज़रूर आइए यहाँ पे। और गाइस ये है मंदिर, ये शंकर भगवान का मंदिर है, और मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं मतलब लाइटिंग क्या एकदम कूल लग रहा है। तो थोड़ा प्रणाम वगैरह कर लेते हैं तब आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये मतलब आज से कुछ साल पहले ये सिनेमा हॉल था, तो अभी ये विश्वविद्यालय समा घर बन गया है। ऐसे हम लोग आए थे उधर से,
और जा रहे हैं इधर से, मतलब इस पे चढ़ेंगे और वहां पर से सीढ़ी पर से उतरेंगे। ये अभी यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ गया है और हम लोग अभी कुछ देर में निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर से ये लुक कुछ ऐसा बनता है। और ये हो गया दूसरा बिल्डिंग। तो अगर आपको यहाँ का फोटो चाहिए तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप सबोर बी ऑनेस्ट सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। क्या प्रियांशु, प्रियांशु का आईडी है, मतलब प्रियांशु ने ये आइडिया दिया था हम लोग को, तो हम लोग उसमें फ़ोटो क्लिक करके यहाँ का बहुत सारा डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार, सबोर बी ऑनेस्ट नाम है। तो हम लोग बस निकल रहे हैं अब यहाँ से, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल भीड़ हो गया है, आदमी लोग आ गया है, मतलब फ़ोटो क्लिक वगैरह हो रहा है यहाँ पे बहुत। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ब्लॉक चौक, यहाँ पे हम लोग लस्सी पिला रहे हैं हमको बहादुर, हमको और प्रियांशु को। क्या बहादुर, तो बस आ रहा है लस्सी और पीते हैं हम लोग एकदम। लस्सी निकल चुका है और प्रियांशु पी रहा है यहाँ बहादुर, और हम भी पी रहे हैं। तो अब निकल रहे हैं हम लोग घर। 20 minutes later। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 7 और हम अभी खा रहे हैं यहाँ पे कौन वाला चाय है, लेमन टी, जिसको कि नेमू वाला चाय बोलते हैं हम लोग। तो और उसके साथ मैरी गोल्ड बिस्कुट एकदम भर के पैकेट, तो दिखाते हैं आपको हम कैसे खा रहे हैं। मेरा बिस्किट अंशिका खा रही है चुरा चुरा के। तो गाइस हम बिस्कुट उठा चुके हैं और यहाँ पे हम चाय में डाल चुके हैं। देखिए सब यहाँ पे खाने लगा है मेरा बिस्किट, खरीदा वाला बिस्किट। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 10 बज चुका है, तो बहुत ही थक गए आज चलते चलते, एकदम मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया, तो बस अब सोने ही जा रहे हैं। तो अंशिका बोल रही है हमको कि हम अकेले अकेले लस्सी पी लिए हैं और मेरे लिए नहीं लाया, तो हमको मार रही है बहुत अंशिका। तो अंशिका को बोल रहे हैं हम कि कल ला के दे देंगे लस्सी, कल पी लेना अंशिका। अंशिका बहुत शर्मा रही है। ओए होए शर्मा गई का। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।